हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है चैनल पे। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ ध्यान से देखिए और सुनिए, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इधर बार वन इफेम के अगेंस्ट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिनका सब्सक्राइबर है 1 मिलियन प्लस और जिधर की मेरा है सिर्फ 14 के। तो आप समझ ही रहे मैं कितना बड़ा रिस्क उठा रहा हूँ, ठीक है। मैं मेरे से 100 गुना ज़्यादा बड़ा यूट्यूबर को मैं उसके अगेंस्ट एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए वो अपने आप को प्रो दिखा के वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर चुका है, ठीक है। आप देखिए उनका 1 मिलियन सब्सक्राइबर, इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो उनका पॉपुलैरिटी है, ठीक है। लेकिन मेरा जो परेशानी इसलिए कि वो अपने आप को प्रो बोल रहा है, सभी उसको प्रो लीजेंड मान रहा है, लेकिन असल में वो हैक यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो आपके मन में अभी सवाल उठेगा, भाई आपको कैसे पता चला, प्रूफ दिखाओ, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आपके मन में जितने भी सवाल आएगा उसका पूरा सभी का आंसर मैं दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिए और सभी को मैं रिक्वेस्ट करेगा, मैं कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करता कि मेरा वीडियो शेयर करो, लेकिन मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो पे कि इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि सभी को पता चले कि ये लोग हैक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जो बंदा पहले कोई भी ऐप, पबजी हो या फिर फ्री फायर हो, इसमें एमबॉट हैक यूज़ किया है अपने छोटे आईडी के, वो उन लोगों को तो इसका देख के ही पता चल गया है कि ये हैकर है, ठीक है। लेकिन जो लोग क्या होता है, नया नया फ्री फायर ओपन करता है, नया नया खेलते हैं, तो उसको ये हैक के बारे में पता नहीं चलता देख के भी, ठीक है, वो समझ नहीं पाता, ठीक है। तो आज हम वही दिखाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो और ये वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बार वन इफेक्ट का। आप उनके चैनल में जाके ये वाला वीडियो चेक करते हैं, और चाहे कोई भी वीडियो चेक कर सकते हैं, और आप देख के ही आप समझ जाओगे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। और आप जस्ट बार वन इफेक्ट का जो फायर बटन की तरफ आप गौर करना, ठीक है। आप ध्यान से गौर करोगे तो देख पाओगे कि वो ड्रैग ही नहीं करता, बस बटन दबाता है फिर भी हेडशॉट होता है, ठीक है। और वो क्यों होता है दिखाएंगे। और दूसरा सवाल ये भी आता है कि भाई वो हैक यूज़ करता है तो उसका अकाउंट बैन क्यों नहीं होता, ठीक है। तो वो भी हम इस वीडियो पर सारा सब कुछ क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं वीडियो क्लिप की तरफ। तो इधर देखिए, ये रहा हमारा 1 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूबर। देखिए पहले ये कैसे मार रहा है, आप जस्ट देखिए देखिए देखिए, हेड देते ही देखिए पीछे घूम रहा है, क्योंकि देखिए पीछे एनिमी है, ठीक है। तो स्लो मोशन में अभी सेम वीडियो को देखिए, अभी स्लो मोशन में आपको पूरा समझ जाएगा। देखिए इस एनिमी को पहले मारा, देखिए मारते इधर पीछे कोई ना कोई एनिमी होगा, देखिए अभी नहीं दिख रहा लेकिन उधर इसका कर्सर चला गया, लेकिन इसको लगा कि पहले पीछे वाले एनिमी को मारता है, ठीक है। तो देखिए पहले इधर एनिमी को मारेगा, और कैसे मारेगा आप जस्ट देखिए, देख के समझ आ जाएगा कि ये कोई वन टैप नहीं है, कोई ना ही कोई ड्रैग दे रहा है ना ही कोई ट्रिक। देखिए ये जस्ट एम बॉट यूज़ कर रहा है, देखिए आप देखिए इस बार एनिमी को जस्ट देखिए जूम करके जस्ट मारेगा, फिर इसके मज़े की बात देखना। जस्ट देखो अभी मैं काफ़ी स्लो पे देखा रहा हूँ, देखिए देखिए पूरा मारते ही देखिए तुरंत पीछे वाले एनिमी की तरफ घूम गया इसका जो एम है। देखो देखो आप पीछे वाले एनिमी क्यों मारेगा, इसका एम तुरंत घूम गया। देखिए मैं स्लो मोशन पर वीडियो दिखा रहा हूँ, फिर भी कितना जल्दी इसका एम घूम गया आप देख सकते हैं। और इधर देखिए ब्लाइंड में हेडशॉट दे रहा है, देखिए ये तो भगवान है, देखिए पूरा कुछ नहीं दिख रहा फिर भी हेड दे दिया, ठीक है। और एक को मारते ही इसका जो एमबॉट है दूसरे की हेड पकड़ रहे हैं। तो हम देखो स्लो मोशन में अभी अगर देखते हैं, देखिए थोड़ा सा स्लो किया, ज़्यादा स्लो नहीं किया, देखिए एक को मारते ही देखिए दूसरे की तरह ऑटोमेटिक इसका जो एम है वो चला जाता है, ठीक है, जो कि एमबॉट की वजह से होता है, ठीक है। तो इधर देखिए इसको मारते ही देखिए पीछे की तरफ चला गया, अभी इसको हम स्लो मोशन में देखेंगे। देखिए पहले इस वाले एनिमी को मारा, देखिए फिर ऑटोमेटिक देखिए कैसे पीछे वाले एनिमी की तरफ इसका जो एम ये ऑटोमेटिक चिपक रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा, ठीक है, स्लो मोशन में दिख। तो ये रहा और एक मज़ेदार क्लिप, पहले इसको हम देखते हैं नॉर्मल स्पीड पे, ठीक है। तो अभी हम सेम क्लिप पर स्लो मोशन पे आप देखिए, देखिए ये रहा एक एनिमी और दूसरा रहा इधर पे, ठीक है। तो देखिए पहले इसको मारा और इसका एम बॉट दिखे सोचा सीधा इधर पर आ गया, लेकिन जैसे हुक्म हुआ तो इसने और फायर नहीं किया, सीधा चलाया नीचे वाली एनिमी को मारने, ठीक है। तो यही लोचा हो रहा है कैसा देख। और ये वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसका ओरिजिनल चैनल पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको स्लो मोशन में देखिए, एक को मारा देखिए तुरंत इसने देखिए दूसरे को पकड़ लिया, देखिए दूसरे को इसने पकड़ लिया, ठीक है, इसका जो एम्बोर है देखिए इसको मारते ही तुरंत देखो तीसरे की तरफ, देखिए सीधा तीसरे की तरफ चला गया, देख रहे हैं आप लोग, देखिए। और ये वाला क्लिप देख के तो बच्चों को भी समझ आ जाएगा कि ये हैक यूज़ कर रहा है एम्बोर, ठीक है। तो इसको स्लो मोशन में जस्ट देखिए, देखिए पहले ये जूम कर देगा पहले से दीवार के जिधर इसका सर है एनिमी का, ठीक है, इधर पहले जूम कर लेगा, देख लिया देखिए से देख लिया। अभी ये क्या करेगा, अभी इधर जाके फिर उसको मारेगा पूरा सर पे, आप देखिए डायरेक्ट पूरा सर पे, देखिए
देखिए मैं इतना स्लो पे दिखा ना, फिर भी देखिए कितना गाड़ी ये सर पे दे दिया। तो इसका जो एम बॉट है बहुत ही खतरनाक है, जो कि एंटी बैन है। अब वो क्यों है मैं आगे सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो पे, ठीक है? आप जस्ट वेट कीजिए और पूरा वीडियो को देखिए। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पूरा ओरिजिनल है, ठीक है? तो इधर देखिए, एक को पहले इसने मारा, ठीक है? फिर से देखिए दूसरे का एम जा रहा था, इसलिए फिर से जूम के इसको नॉक देते ही देखिए तुरंत और एक एनिमी की तरफ इसका एम चला गया, जिधर कि हमारा नॉक एनिमी की तरफ एम पहले जाता है, ठीक है? तो इधर भी हमारा सेम एम बॉट देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो स्लो मोशन में देखिए, एक को हिट दिया तुरंत, देखिए दूसरे को पकड़ लिया तुरंत ही, देखिए। तो ये रहा एम बॉट का करिश्मा, ठीक है? तो इस 1 मिलियन सब्सक्राइब इस यूट्यूबर का करिश्मा देखिए आप, जस्ट देखिए। फिर से आप स्लो मोशन पे देखिए, देखिए एक को इसने देखिए मार के नॉक दिया और फिर से जूम किया तो देखिए नॉक को इसको नहीं पकड़ा, जिधर कि हम जब स्कोप करते हैं तो नॉक को ही पहले पकड़ते हैं। लेकिन देखिए इसका एमबॉट कैसे एक के बाद एक दूसरे एनिमी के हेड को पकड़ रहे हैं, आप देख रहे। और ये वाला क्लिप से तो 100% आप कन्फर्म हो जाओगे कि ये हैकर है, ये एमबॉट यूज कर रहा है, ठीक है? तो इसको आप स्लो मोशन में देखेंगे तो 100%। इधर देखिए इसने इधर एक एनिमी को देखिए नॉक दिया, ठीक है? अब देखिए दूसरे की तरफ एमबॉट पकड़ा, इधर ये नॉक को मारने जा रहा है, देखिए नॉक को क्लियर करने जा रहा है, ठीक है? लेकिन कर नहीं पा रहा है, इसका एम देखिए बार बार, देखिए देखिए इसको मारने की कोशिश कर नॉक को, लेकिन मार नहीं पा रहा है। इसका जो एम बॉट है देखिए दूसरे एनिमी की तरफ पकड़ रहा है बार बार, देखिए नॉक को मार ही नहीं पा रहा क्योंकि इसका एम बॉट यूज़ कर रहा है, ठीक है? तो इसको दूसरे की तरफ जा रहा है इसका एम। तो अभी और भी क्लिप्स मैं पूरा स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ, नॉर्मल पे नहीं दिखा रहा हूँ। देखिए मारते तुरंत दूसरे एनिमी के ऊपर इसका जो एम लॉक है इसका एम बॉट चला जा रहा है, ठीक है? जिधर की नॉक एनिमी के ऊपर ही पहले एम जाता है, लेकिन इसका देखिए मारते ही देखिए तुरंत ऑटोमेटिक देखिए इसका एम तुरंत एनिमी के ऊपर घूम रहा है, इसको खुद को भी पता नहीं, ठीक है? और आप इसका फायर बटन को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कभी भी ड्रैग यूज ही नहीं करता, ये बस टैप देता है, बस फायर करता है, ठीक है? ये एक बार भी ड्रैग नहीं देता। इधर देखिए मारते देखिए कितना जल्दी दूसरे एनिमी के ऊपर इसका जो एम है ये चला जाता है, ठीक है? तो आप कोई भी चाहे यूट्यूबर हो, वो आप स्लो मोशन में आप देखोगे ना वो प्रो है या फिर एम बॉट यूज़ कर रहे हैं तो आप समझ पाओगे, ठीक है? क्योंकि उसको मारते ही उसका एम तुरंत दूसरे एनिमी के ऊपर चला जाएगा, अगर वो एम बॉट यूज़र हुआ तो। इधर देखिए इसको मारा, देखिए तुरंत तुरंत देखिए दूसरे एनिमी की तरफ इसका एम ऑटोमेटिक चला गया इसका एम बॉट, ठीक है? और जो लोग हैक कभी भी यूज़ किया हुआ है, जैसे मैं पबजी में छोटे अकाउंट पर हैक यूज़ किया तो उसको पहले से पता। इधर देखिए इसको मारा, देखिए तुरंत टोटो के ऊपर इसका एम जा रहा है, ठीक है? इसको पूरा मार ही नहीं पा रहा, देखिए फिर से मारा ऑटोमेटिक देखिए टोटो की तरफ इसका एम जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो है ये एम बॉट यूज़ कर रहा है, ठीक है? और ये एंटी बैन है, ठीक है? और आगे इसका मैं दिखाता हूँ ये हैक क्यों एंटी बैन है, अब मैं वो भी इस वीडियो पे आपको पूरा आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है? आपके मन में जितना भी सवाल है मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है? तो चलिए अभी चलते हैक की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने देखा दिया कि 12 FF कैसे एम बॉट यूज़ करता है, ठीक है? और ऐसे ऐसा नहीं है कि कोई बंदा ज़्यादा हेडशॉट दे रहा है तो हैक यूज़ कर रहा है, जैसे कि बड़ा बड़ा बहुत प्रो प्लेयर है, B2K है, भेंसिन जो है, BNL है, जो कि बहुत ज़्यादा हेडशॉट देता है, लेकिन वो हैकर नहीं है। आप उसका गेम प्ले देख के समझ जाओगे कि वो एमबॉट यूज़ नहीं करता, ठीक है? लेकिन आप इसका देख सकते ये बेचारा अपने नॉक एनिमी को ही मार नहीं पाता, क्योंकि इसका जो एमबॉट है वो दूसरे एनिमी को पकड़ लेता है, ठीक है? ये बेचारा एक एनिमी को नॉक देखे अगर मारना चाहे तो भी नहीं मार पाता, ठीक है? और इसका एम ऑटोमेटिक घूम जाता है पीछे की तरफ, एनिमी रहता है इधर उधर, ठीक है? और दीवार पर भी पहले से जूम करता है, आप लोग देख पाए जैसे कि। और स्लो मोशन पे आप चाहे ऐसे कोई भी यूट्यूबर को चेक कर सकते हैं वो हैकर है या नहीं, ठीक है? तो अब सवाल ये आता है कि इसका हैक बैन क्यों नहीं होता, ठीक है? तो चले जाता है इसका हैक की तरफ, मैं इधर आपको एक प्रीमियम हैक दिखाऊंगा, देखिए। तो ये है ये नेक्सा रेजिडिट का हैक है, जो कि देखिए आप अकाउंट बैन कब होता है, नंबर 1 आपका डेटा चेंज हो रहा है गेम का, ठीक है? या फिर नंबर 2 बहुत ज़्यादा रिपोर्ट आया तब ये चेक करता है गैरिना वाले, क्योंकि गैरिना के तो कोई लोग इसको चेक नहीं कर, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो कि देखता है डेटा चेंज हुआ है कि या नहीं। तो डेटा चेंज होते ही अकाउंट बैन होता है, नहीं तो दूसरा बहुत सारा जब रिपोर्ट आता है तो उसका जो ऑफिशियल जो डेवलपर है वो चेक करता है, ठीक है? अब देखिए ये जो है देख सकते हैं, ये जो है प्रीमियम, ठीक है? ये प्रीमियम हैक है, ठीक है? इधर आप 1 टा बहुत कुछ हैक है VIP, जो कि लगभग 5,000 रुपये के आता है महीने पे, ठीक है? अब अगर इसको लेना चाहे, ठीक है, अब आपको इसको बाई करना चाहे तो आपको लगभग 5,000 रुपये हर महीने आपको देना पड़ेगा, ठीक है? और ये 100% एंटी बैन है, ठीक है? क्यों एंटी बैन है? क्योंकि ये आपका डेटा का नहीं चेंज करता, ठीक है? ये आपको एक सॉफ्टवेयर दे देता है जो कि आपको गाइना के सर्वर के साथ कनेक्ट करता है और आपका माउस के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है? और जी हाँ ये PC वाला है के, तो यही आपका जो ऑटो हेडशॉट है, जो एम बॉट है, ऐसे वर्क करता है, जिसके लिए बैन नहीं होता है, ठीक है? और दूसरा बात बता रिपोर्ट, आप देखिए ये लोग यूट्यूबर है,
ये जब हेड देता है लोग इसे प्रो समझते हैं, तो कोई रिपोर्ट नहीं करता। अगर ज़्यादा रिपोर्ट आता है तो इसका जो ऑफिशियल डेवलपर है वो इसका गेम प्ले देखता, ठीक है। और अगर वो देखता बैन करके भी फायदा नहीं, क्योंकि ये लोग इतना बड़ा यूट्यूबर है, फिर से ये गरीना के ऑफिशियल के साथ कनेक्ट करेगा और उसको बोलेगा कि भाई मैंने हैक नहीं यूज़ किया। भाई वो तो अब इनका पीसी तो आके चेक नहीं करेगा, तो वैसे कुछ हो सके तो डायमंड इसका फाइन करेगा, फिर से अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े यूट्यूबर होने का यही फायदा है, अगर प्रीमियम हैक यूज़ करता है तो बैन नहीं होता, क्योंकि उसमें तो डेटा चेंज नहीं होता। अगर गेम का डेटा चेंज होता है तभी जाके बैन होता है, ठीक है। और इसमें तो डेटा चेंज की कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये तो आपके माउस के साथ कनेक्ट होता है और दूसरा फ्री फायर के साथ सर्वर के साथ, ठीक है। आपके गेम के साथ आपके अकाउंट के साथ ये कोई कनेक्शन ही नहीं रखेगा, ठीक है। तो क्योंकि यू ही ये 5,000 रुपये हर महीने यू ही नहीं लेगा, ठीक है। और आप चाहे तो और भी ज़्यादा आप दे सकते हैं पैसा, और भी बेहतर हैक ये लोग आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये आपको दिखा दिया किधर से करता है, और ये भी बोल दिया क्यों इसका अकाउंट बैन नहीं होता, ठीक है। और आप चाहे तो खुद इसको अकाउंट पे जाके, बाडवान इफेक्ट का अकाउंट पे जाके हर एक वीडियो स्लो मोशन पे आप देखिए, आप समझ पाएंगे कि इसका एमबॉट कैसे एक से लेकर दूसरे एनिमी की तरफ पकड़ता है, ठीक है। और आप लोगों तो गेम खेलते जो पता है, जब एनिमी नॉक होता है तो हमारा डिफॉल्ट एम नॉक पे ही पकड़ता है, लेकिन इसका ये चाहे तो नॉक के ऊपर अगर एम लेके भी जाए फिर भी नहीं जाता, इसका जो एमबॉट है दूसरे एनिमी की हेड की तरफ चला जाता है, ठीक है, जो कि मैंने वीडियो पे दिखा दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों का सवाल का जवाब मैंने दे दिया, और फिर भी कुछ सवाल का जवाब अगर मैं नहीं दे दिया तो आप लोग कमेंट करना कौन सा सवाल आपके मन में बचा हुआ है, तो मैं उनका भी जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।